कोरोना काल में बुलंदशहर में एक जिंदगी सिर्फ इसलिए मौत की आगोश में सो गई क्योंकि परिवार का मुखिया पिछले कुछ दिनों से आर्थिक तंगी को लेकर काफी परेशान था। परिजनों के मुताबिक मृतक मजदूर पिछले 4 महीने से बेरोजगारी और भुखमरी के हालातों से जूझ रहा था, जिसके चलते मानसिक तनाव को झेल रहे मजदूर को हार्ट अटैक हुआ और मजदूर की मौत हो गई। बुलंदशहर की गुलावटी थाना क्षेत्र के मोहल्ला सुदामापुरी का रहने वाला मृतक मजदूर अपने परिवार का एकमात्र सहारा था, जो रेहड़ी लगाकर या मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मृतक के परिजनों की माने तो लॉकडाउन के चलते मृतक आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। देखिए, यहाँ एक रेहड़ी लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले एक छोटे से व्यापारी की मौत हुई है, और ये मौत लॉकडाउन के चलते जो पिछले 4 माह से ये लोग बेरोजगार थे, उस वजह से ये व्यापारी भाई काफ़ी तनाव में था, और आज ये तनाव हार्ट अटैक के रूप में उसकी मौत का कारण बन गया। तो ये बहुत दुखद घटना है। देखिए, जो जिस व्यक्ति की मौत हुई है वो बेहद निर्धन है, और चूँकि उसको तनाव इसलिए हो गया था कि वो आर्थिक तंगी के दौर पर आ चुका था और उसको भरण पोषण की समस्या थी, तो इसी के चलते ये हार्ट अटैक हुआ था। और हम चाहते हैं कि नवदीप संस्था परिवार की ओर से हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस परिवार को, चूँकि वो अकेला था, कोई अन्य और सहारा नहीं है, तो हम चाहते हैं कि इस परिवार को पर्याप्त मुआवजा मिले, और देश में जितने भी रेहड़ी चलाने वाले या जो भी छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको रोजगार करने का सरकार अवसर दे और उनको मौका दे। कपिल, ये चाचा जी की मौत हुई, ठेली लगाते थे, 4 महीने से बेरोजगार है ना, ठेली नहीं लग रही है, टेंशन है इतनी। अच्छा अच्छा। उस वजह से 2 डॉक्टर के पास गए थे, दोनों ने मना कर दिया, डॉक्टर ने हाथ ही नहीं लगाया। मृतक के परिजनों का दावा है कि पैसे की किल्लत हो जाने से कहीं ना कहीं मृतक परेशान था, और आज अचानक हार्ट अटैक से मजदूर की मौत हो गई। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time24 न्यूज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।